विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ लोग यह आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की छाप आम बजट पर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बजट देश के लिए पेश किया गया है। बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने, तो और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। आज आम बजट पेश कर दिया, इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल मरांडी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, बजट को किस रूप में लिया है आपने? मैंने पहले ही बता दिया भाई, बजट बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है और बजट में सभी सेक्टर को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। कोई भी नहीं कह सकता है किसी सेक्टर की कोई उपेक्षा हुई है। और रोजगार सृजन करने वाला बजट है। लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए, लेकिन ऐसा कुछ झलक दिखाई पड़ा सर? ये तो आपका काम था ने देखना, कहीं भी कोई इस प्रकार की बातें नहीं है सर। ये जो आपने कहा कि किसी को भूखे नहीं रखने दिया जाएगा, इसका भी ख्याल रखा गया बजट में, किस प्रकार से ऐसा कह रहे हैं? अब देखिए, पूरे 5 साल कहां किसी को भूखे रखने दिया गया, कभी कोई? आप देखा कोरोना काल में भी कोई लोग? चलिए, बाबूलाल मरांडी ने आम बजट का स्वागत किया है, कहा है कि आगे 21 सालों को ध्यान में रखने वाला बजट है। एक जो चीज है, उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भूखे नहीं रहने दिया जाए, इसका भी ख्याल इस बजट में रखा गया है। हालांकि विपक्ष इस बजट को किस रूप में ले रहा है थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।